क्लास फोर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की रीडिंग्स पढ़ी थी, जिसमें हमने इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी और कंप्यूटर के यूजेस को पढ़ा था। आज हम अपने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को और ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 15। हमारा फर्स्ट MCQs है डैश मीन टू डू सम वर्क विदाउट एनी एरर, यानी वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी और स्पीड। आपका ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू आंसर है एक्यूरेसी। नंबर टू, अ कंप्यूटर ऑलवेज फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर हमेशा हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वो खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करते। कंप्यूटर टास्क नहीं करता। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी का रिजल्ट वो आपको प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज़ अ कैलेंडर टू स्केजल योर अपॉइंटमेंट। आप कंप्यूटर में कैलेंडर को यूज़ करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ कंप्यूटर वर्क एट हाई स्पीड। कंप्यूटर हाई स्पीड में वर्क करता है। नंबर टू, यू कैन लिसन टू सॉन्ग ऑन द कंप्यूटर। नंबर थ्री, वर्सेटिलिटी मीन टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटी एट द सेम टाइम। नंबर फोर, अ कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट रॉन्ग इनपुट गिवन बाय यूजर। नंबर फाइव, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नाउ वी विल सॉल्व अवर टिक क्रॉस। अ कंप्यूटर वर्क एट अ हाई स्पीड। कंप्यूटर हाई स्पीड से वर्क करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर टू, अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज कंप्यूटर स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा।